बैंक निफ्टी कल और आज 2 दिन इंडिकेट कर रहा है कि वो निफ्टी की सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन निफ्टी के पास अब ऑल टाइम हाई उसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ये पार नहीं हुआ सर, 3 बार अटेम्प्ट इसकी फेल हो गई। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। अब ये सिग्नल आ रहा है कि हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो करने होंगे, और अब हर डिप बाय के लिए नहीं है, पहले जो बात होती थी हर डिप बाय के लिए। क्या ये थीम अभी बदल रही है या फिर अभी भी इसी थीम पे चलें कि कोई भी डिप आए बाय कर लो? देखिए अगेन, बाजार में अभी भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति है। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है, क्योंकि पहले मार्केट राइजिंग चैनल में चल रहा था, अब राइजिंग चैनल को थोड़ा सा तोड़ा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है थोड़े से नर्वस हुए हैं, तो उसकी वजह से अग्रेसिव स्टेंस की जगह थोड़ा सा पोजिशन साइजिंग कम करने का स्टेंस रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाजार में मेजर सपोर्ट इंटेक्ट है, कोई भी डिप आता है कहीं नहीं किसी न किसी वजह से वो वापिस खरीदारी में तब्दील हो जाता है। इवन आज के दिन भी आप देखोगे तो डिक्लाइन आया था और वापस पूरा रिकवर करके डेज हाई के आसपास बाजार जाने के लिए तैयार है। तो 18,442 एक पोजिशनल, 18,550 और 18,650 इमीडिएट दो सपोर्ट के काम करेंगे। मेरे हिसाब से इन लेवल के साथ बाजार में कामकाज करना चाहिए। बड़े स्विंग तभी अब बनेंगे जब 18,888 के लेवल बनेंगे, क्योंकि हमने कम से कम 5-6 बार देख लिया कि उन लेवल के आसपास आते हैं और बाजार कहीं ना कहीं फिसल जाता है। बट बायस पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव रहेगी क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहे हैं, बायस पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इंडिया विक्स आपका ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। बट अगेन अपसाइड भी कैप्ड है, तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस जैसा माहौल रहेगा। निफ्टी में यदि आप ट्रेड सेटअप ढूंढते हो तो इमीडिएट बेसिस पर 18,650 को सपोर्ट बनाइए, ऊपर में लगभग 18,820 और फिर 18,888 के टारगेट के।